आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन को एक साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है और किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि सरकार अपना जो 3 किसान काला कानून है इसे वापस ले, लेकिन सरकार जो है इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। वही किसान भी अपनी बातों पर अड़े भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में अब किसानों को जंतर मंतर में इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अनुमति मिल गई है, जो कि अब वो वीकेंड पर वहाँ पर जाके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उनका जो टाइमिंग है वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। साथ ही कितने लोग एक साथ जंतर मंतर पर जाकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं ये भी पूरे तरीके से निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि अब ये जो प्रदर्शन है वो धूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी समेत 14 ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर हैं उन्होंने अब किसानों का समर्थन करने का फैसला ले लिया। ऐसे में ये जो किसान आंदोलन है इसको अब 14 पार्टी जैसे नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, CPI, RJD, LJP, CPIM, शिवसेना, इसके साथ ही आपको बता दें कि NCP और NC जैसे सारी पार्टी जो है 14 विपक्षी पार्टियों का अब इसे समर्थन मिल गया है और इन लोगों ने भी अब ये फैसला लिया है कि अब ये किसान को समर्थन देंगे। आपको बता दें कि आज सुबह ही ये 14 विपक्षी पार्टी के जो लीडर्स हैं इन्होंने पार्लियामेंट में करीब 10 बजे मुलाकात की और जिसके बाद इन्होंने आज किसानों को जो है इस प्रदर्शन को ज्वाइन करने का फैसला लिया, जिसके बाद अब वो किसान यानी जहाँ पर किसान बैठे हुए जंतर मंतर में वहाँ पर इस प्रदर्शन को वो समर्थन देने के लिए पहुँच चुके हैं। ऐसे में इस प्रदर्शन को पूरा पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं जंतर मंतर से आ रही कुछ तस्वीरों पर। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि राहुल गांधी समेत कई अदर पार्टीज के जो लोग हैं वहां पर किसान को समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार को इस पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ये काला कानून वापस क्यों नहीं ले रही है। लेकिन सरकार भी अडिग नजर आ रही है, सरकार भी जो है इस कानून को वापस लेने के मूड में नहीं नजर आ रही है। ऐसे में इससे पहले भी जो किसान समर्थन को कांग्रेस की तरफ से हाथ बढ़ाया गया था और ऐसे में अगर राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत का कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि इस तरीके से विपक्षी पार्टी सामने आकर उन्हें इस विरोध प्रदर्शन को जो है समर्थन कर रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मंच में किसी भी पार्टी को आने की जगह नहीं दी है, वो सभी जहाँ पर लोग बैठे हुए जहाँ पर पब्लिक है उसी बीच में उन्हें भी रखा गया है और वहीं पर उन्हें भी जगह दी गई है। किसी को भी हमने मंच पर चाहे किसी भी पार्टी का आदमी क्यों ना हो इसे मंच पर जगह नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने अपना आभार भी व्यक्त किया कि मुझे अच्छा लग रहा है कि अब जो लोग हैं जो पार्टीज हैं उन्हें समझ आ रहा है कि हम इस तरीके से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आखिर ये कानून किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसे में जो है इस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन मैंने मंच पर किसी को भी जगह नहीं दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान सेफ फार्मर सेफ इंडिया के स्लोगन का नारा भी लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ये वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि आखिर इस नारे लगाने के बाद प्रदर्शन के बाद भी जो सरकार है वो ये जो तीनों कानून है ये तीनों कानून को वापस लेती है या फिर इसी तरीके से जो किसान है वो आगे भी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।